गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जो हमने दूसरी टेबल जो पढ़ी थी, फर्स्ट टेबल जो पढ़ी थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, उसमें से अपवाद एक्सेप्शन को आज पढ़ेंगे। तो सबसे एक्सेप्शन इसके अंदर रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट टेंस, पास्ट टेंस की क्रिया होने पर भी रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, एक्सेप्शन में इससे पहले वाले वीडियो में अपने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर पास्ट टेंस की क्रिया होने पर रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया में परिवर्तन होता है, और उसकी वो टेबल बनी थी, फर्स्ट टेबल सारणी बनी थी कि डायरेक्ट में क्या दिया होगा, इनडायरेक्ट में क्या, जैसे प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलते ऐसे। लेकिन कुछ सेंटेंस अपवाद में भी आते हैं, एक्सेप्शन वाले अपवाद, रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट टेंस की क्रिया होने पर भी रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे वाक्य कौन से होते हैं कि पास्ट टेंस होने पर भी रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसमें नंबर वन, यूनिवर्सल ट्रथ, यूनिवर्सल ट्रथ सार्वभौम सत्य, या इसको बोलते हैं सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रथ। सेंटेंस समझेंगे, पत्ते के दो दो जान समझ लेते हैं। The sun rises in the east and sets in the west. यूनिवर्सल ट्रथ सार्वभौम सत्य से एक और सेंटेंस समझ लेते हैं, सिर्फ सेंटेंस ही समझाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। दूसरा सेंटेंस है, टीचर सेड अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यूनिवर्सल ट्रथ सार्वभौम सत्य, सनातन सत्य, जो तीनों काल में एक ही रहता हो, प्रेजेंट टेंस में वो घटना, पास्ट टेंस में भी और फ्यूचर टेंस में भी। जैसे सेंटेंस को देखेंगे, टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उसे कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो सूर्य, सन राइजेज उदय होना, और ईस्ट में होता है, और सेट्स अस्त होना, वेस्ट में होता है। तो सूर्य भूतकाल में भी पूर्व दिशा में उदय होता था, वर्तमान में भी पूर्व दिशा में उदय होता है, और भविष्य में भी ये पूर्व दिशा में उदय होगा, इसको कोई बदल नहीं सकते। ऐसे सेंटेंस वो कहलाते सार्वभौम सत्य। या फिर जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पहले भी, आज भी और आने वाले समय में भी। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऐसे वाक्य होते हैं जो संसार में एक, उसको सार्वभौम सत्य कहते हैं, और इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रथ कहते हैं। इसमें क्या नियम है कि यहाँ पर पास्ट टेंस है,
said to, आगे वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि said to है वो past tense है। Past tense होने पर नियम तो ये है कि राइजेस जिस क्रिया के अंदर s या is लगा हुआ उसको second form बनाते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रथ में आता है, सार्वभौम सत्य में आते हैं, और सार्वभौम सत्य या अपवाद वाले जितने भी वाक्य वो प्रेजेंट सिंपल के होंगे और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नियम ये होता है कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदल लेते हैं, लेकिन ये सार्वभौम सत्य वाले जो वाक्य होते हैं, यूनिवर्सल ट्रथ वाले जो सेंटेंस होते हैं, उसकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी यहाँ पर रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट टेंस आने पर भी इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऐसे सेंटेंस होते हैं वो आते एक्सेप्शन में, अपवाद में। तो उसका क्या बन जाएगा, टीचर का टीचर, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं, सेम आएगा, और सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है अंत में फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो सेट टू को ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो किस में बदलेंगे, टोल्ड में, और फिर ऑब्जेक्ट है हिम का हिम, कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर रिपोर्टिंग पार्ट को रिपोर्टेड पार्ट से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव शब्द हो जाएगा दैट, फिर वही दी सन, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है अभी, और राइजेज का राइजेज, ये विशेष ध्यान देना यहाँ पर, राइजेज का राइजेज आ रहा है। क्यों राइजेज आ रहा है, क्योंकि यह पास्ट टेंस होने पर भी राइजेज आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये अपवाद है, और कैसा वाक्य है, सार्वभौम सत्य है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन दी ईस्ट एंड सेट्स, सेट्स भी कौन सी क्रिया है, फर्स्ट फॉर्म है, क्रिया में एस लगा हुआ, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन दी वेस्ट, यानी पास्ट टेंस की क्रिया होने पर भी इस क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा, और ये आते हैं एक्सेप्शन के अंदर। दूसरा सेंटेंस है, टीचर सेड, इसमें भी देखेंगे टीचर सेड आया है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, द अर्थ मूव्स द अराउंड, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो द अर्थ सब्जेक्ट है और फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस हो गया, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो सेड का वापस सेड, और कनेक्टिव असर्टिव सेंटेंस में क्या लगेगा, दैट, द अर्थ, सेम अपवाद है, सेड या पास्ट टेंस होने पर भी मूव्स का मूव्स रहेगा, मूव्स की सेकंड फॉर्म नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रथ है, अराउंड द सन। नेक्स्ट है दो नंबर, हैबिचुअल एक्ट, हैबिचुअल एक्ट, आदतन कार्य, आदतन कार्य, आदत से संबंधित कोई कार्य होता है तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, ही said to her, she sleeps with her granny daily. एक और सेंटेंस कर लेते हैं, शी सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, अब इसमें से हैबिट, हैबिट से संबंधित कोई सेंटेंस आ जाए, हैबिचुअल एक्ट, आदतन कार्य से संबंधित कोई सेंटेंस आ जाए, तो यहाँ पर पास्ट टेंस की क्रिया होने पर भी इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, जैसे ही सेड टू हर, उसने उसे कहा, शी स्लीप्स, वह सोती है विद हर ग्रैनी, दादी के साथ, डेली एंड हमेशा, वह दादी के साथ सोती है हमेशा, ये उसकी आदत है, और आदत से संबंधित कार्य में पास्ट टेंस आने पर भी यहाँ इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, क्यों, क्योंकि ये हैबिचुअल है, ही सेड टू साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड टू को ऑब्जेक्ट आया हुआ तो किसमें बदलेंगे, टोल्ड में, टोल्ड हर, कनेक्टिव क्या हो जाएगा, दैट
सी का सी थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और स्लीप्स स्लीप्स का स्लीप्स आएगा, स्लीप्स विद हर ग्रैनी डेली, सेम आएगा, कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरे सेंटेंस देखिए, सी सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, उसने कहा डॉग्स बार्क का ना भौंकते हैं एट स्ट्रेंजर, अजनबी, अजनबी भी व्यक्तियों पर डॉग्स है वो भौंकते हैं, ये उनकी आदत है। तो आदतन से संबंधित आ जाए तो सेम सेंटेंस देखिए इधर, सी सेड का क्या होगा, सेड, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट डॉग्स बार्क, बार्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये आदतन कार्य है एट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है प्रोवर्ब्स एंड आइडियम्स, प्रोवर्ब्स एंड आइडियम्स यानी इसमें कर देते हैं कहावते एंड मुहावरे, कहावते और मुहावरे। हिंदी में से आपने देखे होंगे, हिंदी के अंदर जितने भी कहावते और मुहावरे आते हैं, प्रोवर्ब्स कहावते होती है, आइडियम्स का आता था मुहावरे, कहावत और मुहावरे से संबंधित कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो वो भी अपवाद के अंदर आएगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, जैसे देखिए सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, हिंदी टीचर सेड टू स्टूडेंट्स ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। इधर ध्यान दीजिए, हिंदी टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, क्या कहा, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, यही कहावत के रूप में है, ईमानदारी एक अच्छी बेस्ट पॉलिसी, अच्छी नीति है, ये कहावत है। तो कहावत और मुहावरे आ जाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अपवाद में आ जाएंगे। कैसे, हिंदी टीचर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हिंदी टीचर का क्या होगा, हिंदी टीचर, अब ये वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, अंत में फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस है, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स देके रखा है तो स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स। रिपोर्टिंग पार्ट को रिपोर्टेड पार्ट से जोड़ने के लिए जो कंजक्शन कनेक्टिव शब्द आएगा वो दैट, ये याद रखना है, और कहावत में प्रोवर्ब्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑनेस्टी इज रूल्स के अनुसार या पास्ट टेंस आने पर इज को वाज में बदलना चाहिए, लेकिन ये क्या है, कहावत मुहावरे से संबंधित, कहावत से संबंधित आ जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। एक और उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे टीचर सेड टू हिज पुपिल्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मुहावरा है हिंदी में, जैसे टीचर सेड टू हिज पुपिल्स, अध्यापक ने अपने शिष्य से कहा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, गोल्ड आने सोना, ग्लिटर्स आने चमकना, ऑल आने
हर वस्तु, तो हर वस्तु चमकने वाली जो होती है वो सोना नहीं होती है, हर वस्तु चमकने वाली सोना नहीं होती, ये क्या है? मुहावरा। तो इसमें से मुहावरा और कहावत आ जाती है, तो ध्यान दीजिए, टीचर का टीचर, ऑब्जेक्ट आया हुआ, सेट टू को किसमें बदलेंगे? टोल्ड में, और ऑब्जेक्ट क्या है? हिज प्यूपिल्स, और ये सारे अपवाद में असर्टिव सेंटेंस है, कनेक्टिव क्या लग जाएगा? दैट, दैट के बाद में सेम कंक्लू, कहावत है, कहावत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी इज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसमें भी अपन ने इज में से कोई परिवर्तन नहीं किया, यहाँ भी इज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इज नॉट गोल्ड। क्यों? क्योंकि कहावत मुहावरा है और इससे संबंधित या पास्ट टेंस होने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है चौथा रूल्स। चौथे रूल्स में हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री से बनता है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक फैक्ट यानी तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य, इतिहास से संबंधित कोई तथ्य आ जाए, इतिहास से संबंधित कोई तथ्य आ जाए तो रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट टेंस होने पर भी रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य भी किसमें आते हैं? अपवाद में आते हैं। सेंटेंस देखिए, टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, समुद्र गुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्र गुप्त काल इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसमें यहाँ पर पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है वो किससे संबंधित है? समुद्र गुप्त इज काल द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है और ऐतिहासिक तथ्य में यहाँ पास्ट टेंस आने पर भी इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, टीचर सब्जेक्ट वही सेम आएगा, टीचर का टीचर, और असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो सेड का सेड, और रिपोर्टिंग पार्ट को रिपोर्टेड पार्ट से जोड़ने के लिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, कनेक्टिव लग गया दैट, समुंदर का समुंदर, सब्जेक्ट वही सेम, गुप्त। अब यहाँ विशेष ध्यान दोगे, यहाँ पास्ट टेंस होने पर भी इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इतिहास से संबंधित तथ्य है। तो इज का इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एक सेंटेंस और कर लेते हैं, शी सेड टू हर कॉमा इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। इसमें लास्ट सेंटेंस देखेंगे, शी सेड टू हर, उसने उसे कहा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने फ्रीडम जो प्राप्त की है वो इन 1947 के अंदर। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है और ऐतिहासिक तथ्य में पास्ट टेंस आने पर भी, यहाँ पर पास्ट टेंस आने पर भी इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, सी, सी का सी, सेड टू को बदलेंगे, ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो किसमें बदलेंगे? टोल्ड में, टोल्ड, ऑब्जेक्ट सेम आएगा वापस, कनेक्टिव हो जाएगा दैट, और दैट के बाद में ये ऐतिहासिक तथ्य से संबंधित है और यहाँ गॉट आया है तो गॉट को परिवर्तित नहीं करके गॉट का गॉट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है,
और फ्रीडम का फ्रीडम इन 1947। ये हमारी फर्स्ट टेबल हमने समझी थी टेंथ से संबंधित परिवर्तन। टेंथ से संबंधित परिवर्तन में तीन रूल्स है। फर्स्ट रूल्स था कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की क्रिया यहाँ होने पर इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा था कि पास्ट टेंस की क्रिया होने पर इस क्रिया में परिवर्तन होगा, वो हमने टेबल बनाई थी, सारणी समझी थी, और उस सारणी के कुछ अपवाद, अपवाद को इंग्लिश में एक्सेप्शन बोलते हैं, यानी पास्ट टेंस की क्रिया होने पर भी रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, इसके चार रूल्स है। इसके सिवाय भी और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे मैक्स के अंदर आता टू एंड टू मैक्स फोर, वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। ऐतिहासिक तथ्य या इसमें सनातन सत्य के अंदर आ जाएंगे, यूनिवर्स ट्रस्ट के अंदर आ जाएंगे, और वाटर वाला वाटर बॉयज 100 डिग्री, ये भी साइंटिस्ट फैक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो सारे अपवाद के अंदर आ जाएंगे, क्यों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये हमारी फर्स्ट टेबल पूरी हो जाती है, और नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड टेबल, और सेकेंड टेबल है प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। थैंक्स।